कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसकी डिगिंग हो रही है यहाँ पर, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग डिगिंग सेरेमनी पर हम आए हुए हैं। व्यूवर्स, एक यू मॉल एंड रेजिडेंसी के इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं सबसे पहले आपको इसके बिल्डर के हवाले से कुछ भी बताती चलूँ। एक यू मॉल एंड रेजिडेंसी जो इसके बिल्डर हैं, उन्होंने बंदर टाउन, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कई कामयाब प्रोजेक्ट्स के लिए डिलीवर कर चुके हैं। और अगर बहरिया टाउन कराची की बात की जाए, तो बहरिया टाउन कराची के अंदर ही इनके दो बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए जा चुके हैं। इनके दो प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों कमर्शियल हैं। एक बिजनेस बिजनेस सेंटर वन जो कि बहरिया टाउन कराची के अंदर प्लॉट नंबर 41 और 42 के अंदर, जबकि एक यू बिजनेस सेंटर टू वो भी बहरिया टाउन कराची के अंदर प्लॉट नंबर 51 और 52 पर जो है वो लॉन्च किया गया है। व्यूवर्स, ये तो था बिल्डर के हवाले से कुछ हमने बात की। बिल्डर की हिस्ट्री, उसके बैकग्राउंड के हवाले से जो है इन्वेस्टर का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल्डर की जो हिस्ट्री होती है, उसका जो बैकग्राउंड है, वो इन्वेस्टर की सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज आप जैसा कि देख रहे हैं, ये जो तीसरा प्रोजेक्ट है, तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है, ये भी एक यू मॉल एंड रेजिडेंसी का तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट है। व्यूवर्स, यहाँ पे तीन टावर हैं, खालिदीन वली टावर है, सैयदना बिलाल टावर है, जबकि और तीसरा टावर जो है वो सैयदना हसनैन टावर है। व्यूवर्स, ये जो प्रोजेक्ट है एक यू मॉल एंड रेजिडेंसी, ये इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल एंड रेजिडेंसी के तर्ज पर बनाया जा रहा है। इसके नीचे जो है वो आपको तमाम जो है कमर्शियल अवेलेबल होंगे, जबकि ऊपर जो है वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट अवेलेबल होंगे। प्रोजेक्ट के हवाले से अगर मैं आपको ब्रीफ करूंगी, तो सबसे पहले लोकेशन की बात। व्यूवर्स, एक यू मॉल एंड रेजिडेंसी, इस प्रोजेक्ट की अगर मैं लोकेशन के हवाले से बात करूं, तो बहरिया की कन्हाई प्राइम लोकेशन पर ये प्रोजेक्ट आपको जो है वो लॉन्च किया गया है आज। और इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के हवाले से मैं बताऊं, व्यूवर्स, की बहरिया के मेन गेट से सिर्फ 200 मीटर की ड्राइव पर, हाफ किलोमीटर से भी कम की ड्राइव पर ये प्रोजेक्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्रोजेक्ट के हवाले से अब मैं आपको डिटेल्स देती हूँ एक यू मॉल एंड रेजिडेंसी के हवाले से। व्यूअर्स, ग्राउंड प्लस 30 का प्रोजेक्ट है। इसमें ग्राउंड पे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इसमें आपको मिल जाएंगे कमर्शियल शॉप्स अवेलेबल हैं, जबकि बाकी के फ्लोर पर आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट अवेलेबल हैं, जो कि 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम्स के अपार्टमेंट अवेलेबल आपको होंगे यहाँ पर। इसके अलावा शॉप के साइजेस की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर डिफरेंट साइजेस की, यानी उनका जो कवर्ड एरिया है वो डिफरेंट स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल होगा, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल है। व्यूवर्स, इस प्रोजेक्ट में आपको 1600 अपार्टमेंट और 300 जो है वो शॉप्स जो है वो लॉन्च करके दिए जा रहे हैं। व्यूवर्स, अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के पेमेंट प्लान के ऊपर। पेमेंट प्लान जो है व्यूवर्स, इस प्रोजेक्ट का इंतहाई मुनफरिद, इंतहाई डिफरेंट है, जिसकी वजह से लोगों में ये प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी मकबूल हुआ है। और इसका इस प्रोजेक्ट पे आपको मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं देनी, आपको क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट नहीं देनी, बल्कि ये प्रोजेक्ट जो है वो ईयरली इंस्टॉलमेंट के ऊपर लॉन्च किया गया है। जी हाँ व्यूवर्स, ईयरली इंस्टॉलमेंट यानी आपको साल में सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा इसकी इंस्टॉलमेंट देनी है। एक बहुत ही मिनिमम बजट, मिनिमम डाउन पेमेंट के अंदर जो है आप अपनी ये प्रॉपर्टी रिजर्व करवाएं और साल में एक दफ़ा जो है यानी ईयरली इंस्टॉलमेंट आप इस पे करें। 4 साल के अंदर अंदर 2023 तक जो है वो आप इस प्रोजेक्ट पर अपनी पोजिशन हासिल करें। तो व्यूवर्स, आज हमने शो किया एक यू मॉल एंड रेजिडेंसी के हवाले से। हमने आपको उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी दिखाई और यहाँ पे जो उसकी डिगिंग सेरेमनी थी वो हमने दिखाई। तो यहाँ पर आए, इन्वेस्टमेंट करें, बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। बहरिया टाउन कराची की प्राइम लोकेशन के अंदर बहुत ही अच्छी पेमेंट इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। और अपनी होस्ट राहत इरम को इजाज़त दीजिएगा नेक्स्ट शो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।